कैट में कुछ ही हफ्ते बचे हैं या कुछ ही दिन जो भी कहें, और बहुत से लोग मॉक्स में अभी कितने परसेंटाइल ला रहे हैं, 60 इन द रेंज ऑफ 60s. क्या उनके दिमाग में एक ही सवाल है, मैं हर दिन कॉल उठाता हूँ स्टूडेंट्स के, वो बोलते हैं कि सर क्या हो पाएगा, 90 क्रॉस हो पाएगा, 95 क्रॉस हो पाएगा, 99 हो पाएगा क्या? वैसे 99 कोई नहीं पूछता जो 60s में होता है, आमतौर पर पूछते हैं 95 भी हो जाए, हमें बेबी एम्स मिल जाए, कुछ हो जाए ज़िंदगी में. काफ़ी बात तो वैसे दुख वाली है, लेकिन इसके तरीके भी हैं करने के, वो सीखते हैं पहले कि तरीका क्या है और क्या चाहिए हमें अगर 95 लाना है. तो पहली बात ये समझना ज़रूरी है, 60 क्यों आ रहे होंगे. आपने पढ़ाई नहीं की, ये रीज़न नहीं है. पढ़ाई आपने पूरी कर रखी है, आपने सारे क्लासेस भी कर रखी हैं, आपने प्रैक्टिस भी कर रखी हैं, आप मॉक्स भी दे रहे हो, स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड से मिलके डिस्कशन भी कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, स्टडी ग्रुप्स बन चुके हैं, हमसे डाउट्स भी पूछते रहते हो, उसके बावजूद भी और सारी चीज़ें क्लास में देखा है मैंने, स्टूडेंट अच्छा आंसर कर रहे हैं बट मॉक में उनका नहीं आ पा रहा. 3-4 कारण हो सकते हैं. पहला तो ये कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एंग्जाइटी है, परफॉर्मेंस प्रेशर है. आप जब टाइम देखते हो, ये भी सुना है मैंने कि लोग बोलते हैं ऐसे बिना टाइमर के तो हम कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही टाइमर आता है प्रॉब्लम होती है और हम कर नहीं पाते, तो आखिर करें क्या. इन सब बातों को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. तो स्वागत है आप सबका आइकॉन्टा यूट्यूब चैनल पर. चलिए समझते हैं, 60% टू 95% किन कारणों से नहीं आ पा रहा. पहला जैसा बताया मैंने कि आप कहीं ना कहीं टाइम्ड एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पा रहे हो. इसके लिए तरीका एक ही है कि आप अगले 3 मॉक्स अगले 5 दिन में दीजिए, ठीक है. 5 दिन, फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, वेट कर करके, और इन तीनों मॉक्स में आप टाइमर देखो ही मत. आप बोलोगे ठीक है आपने बोल तो दिया, करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, ये कर कैसे पाएंगे. तरीका है इसका, जो मॉक्स आप पहले ही कर चुके हो, पहले आपने अटेम्प्ट कर रखे हैं जहां आपका 60s में स्कोर आया था, काफ़ी क्वेश्चन आप पहले से आते भी होंगे. लेकिन ये भी है अगर जो मॉक आपने आज से 1-2 महीने पहले किया होगा वो सवाल आपको याद तो अब नहीं होंगे. वो वाले मॉक्स करो आप, 3 मॉक्स अगले 5 दिनों में, इन एडिशन टू वट एवर यू आर डूइंग, प्रैक्टिस, क्लासेज एट्सेट्रा, और फिर देखो आप परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ क्या. मैं जानता हूँ कि ये पक्का होगा, एटलीस्ट 90% लोगों के लिए तो होगा ही होगा. अब आते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारा LRDI में बड़ा प्रॉब्लम आता है, LRDI में एक भी सेट सॉल्व नहीं हो रहा, क्वांट में हमसे 8 सवाल भी सॉल्व नहीं हो रहे, BRC में कई बार होता है कि सवाल 15 सॉल्व हो गए, कभी 5 भी नहीं, कभी 1 भी नहीं. तो इन सारी बातों को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है, ये समझना है कैट का एग्ज़ाम आखिर है क्या और कैसा है, और कैट के एग्ज़ाम में किस तरह का स्कोर लाने पर, किस तरह का अप्रोच रखने पर आपके 95% तो बन ही जाएंगे. 95% मतलब कि 95% लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आपसे नीचे हैं. यहाँ पे मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा. देखिए इस साल कितने लोगों ने कैट का फॉर्म भरा है, क्लियर आइडिया नहीं है, बट 3.5-4 लाख 4 लाख के आसपास रहा होगा. पिछले साल 3,30,000 था. लोगों ने कितने लोगों ने एग्ज़ाम आखिर दिया, तो 30-40,000 लोग एग्ज़ाम देते ही नहीं हैं. तो मान लेते हैं इस बार 3.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा होगा, एग्ज़ाम के लिए 3 लाख देंगे. इन 3 लाख लोगों में से सिर्फ 1 लाख लोगों ने कोचिंग करी होती है, और इन 1 लाख लोगों में से सिर्फ 50,000 लोगों ने मॉक्स भी दिए होते हैं. उन 50,000 में से सिर्फ 10,000 लोग ऐसे जिन्होंने सारे मॉक्स दिए होते हैं, जैसे कि आइकॉन्टा में 35 मॉक्स हैं. जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो आप, CL में, टाइम में, IMS में, कहीं भी जितने भी फुल लेंथ मॉक्स हैं वो हार्डली पूरे इंडिया में 10,000 से ऊपर लोग देते नहीं हैं. अगर आप स्कोर भी देखो अपना, आप देख सकते हो कि आपकी रैंक 1, 2, 3 10,000 के पार कभी मुश्किल है कि लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपके मॉक्स में स्कोर आ रहे हैं, जो परसेंटाइल आ रहा है, अगर वैसा ही कंडीशन, सिमिलर कंडीशन कैट में भी रहे तो आपका परसेंटाइल बढ़ेगा. आमतौर पर ज़रूरी नहीं ऐसा हो, हो सकता है उस दिन कुछ और हो जाए, है ना, उस दिन आप बहुत अच्छा कर दो या बहुत ख़राब कर दो, ये सारी बातें तो हमारे कंट्रोल में है नहीं. कंट्रोल में क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं. तो पहली बात ये, जैसा परफॉर्मेंस आप कर रहे हो, अगर आपके आम तौर पे मॉक्स में 60s में आ रहे हैं तो कैट में 70s में आना शुरू हो जाएंगे. स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे उसमें सीरियस लोग कितने हैं, मात्र 10,000 जैसे मैंने पहले बताया, तो ऑटोमेटिकली परसेंटाइल तो बढ़ जाएगा. ये हुई पहली बात, तो ये डर निकाल दो आप दिमाग से. दूसरी बात ये है कि हमें तीनों ही सेक्शन में सेक्शनल परसेंटाइल कवर करना है. अब आमतौर पे जो बड़े टॉप 20 स्कूल्स हैं उनका सेक्शनल कट ऑफ 80th to 85th percentile रहता है. अहमदाबाद में 75 है, हम 85 की बात करेंगे कि 85 सब में लाना है. सब में 85 ले आओगे अगर आप, तो आपका ओवरऑल परसेंटाइल 92 क्रॉस हो जाएगा.
ये मतलब आम तौर पे ऐसा होता है, जो बातें बता रहा हूँ मैं सारी बातें कैसी हैं आम तौर पे, जनरली स्पीकिंग, मतलब केस टू केस डिफर कर सकता है लेकिन 90% केसेस में ये सारी चीज़ें सही होंगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये समझते हैं कि भाई 60 percentile कितने मार्क्स पे आता है और 95 कितने मार्क्स पे आता है और 95 लाने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा ये कि 85 लाने के लिए क्या करना चाहिए, 85 किस में, तीनों सेक्शंस में, तो ओवरऑल आपका 90 अपने आप क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और है कि 85 आप ऐसे सब में 85 ही लाओगे, आप मान लो कि एक सेक्शन आपका थोड़ा सा कमज़ोर है, LRDI या VARC या क्वांट्स, कई बार होता है कि इंजीनियर्स का VARC कमज़ोर होता है, हमेशा नहीं, कुछ केसेस में, कभी ये होता है कि लोगों का क्वांट कमज़ोर है और VARC काफ़ी अच्छा है, जैसे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं या जो ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ पे प्रॉपर शुरुआत से इंग्लिश मीडियम रहा है, यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें कोरिलेशन है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सच हो। LRDI सबके लिए डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं जिंदगी में हमने आज तक, ऐसा कौन सा स्कूल है, कॉलेज है या कोई करिकुलम है जहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन उस तरीके से पढ़ाया जाता है इस तरीके से कैट में आता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो चलो समझते हैं, पहली बात कि पिछले साल कैट 2023 में अगर आप देखो, हम बात कल 95 percentile करेंगे, 54 मार्क्स ओवरऑल पे 95 percentile आ गया था, 54, एक सवाल 3 मार्क्स का होता है, 54 divided by 3 18, जिस किसी ने 18 सवाल सही किए हैं उसका ओवरऑल 95 percentile आया है। ठीक है, अच्छा तीनों में देखते सेक्शन में क्या क्या हुआ, VRC में 28 मार्क्स, 28 का मतलब क्या होता है कि आपने 9 सवाल 9 into 327 हुआ, आपने मान लो 9-10 सवाल किए होंगे, क्वांट्स में 16, 5-6 सवाल किए हैं, LRDI में 19, यहाँ पे आपने तकरीबन 6-7 सवाल किए हैं। क्वांट मोस्ट डिफिकल्ट था पिछले साल, इसलिए आप देखो क्वांट का स्कोर ओवरऑल में हमेशा कम ही है, बट अगर मैं इनको ऐड करूँ 28 + 16 + 19, देखते हैं क्या होता है, तो अगर मान लो तीनों में कोई भी VRC तीनों में ही 95 लाया हो, VRC में भी, क्वांट्स में भी और LRDI में भी, 28 + 16 कितना हुआ 44, 44 + 19 कितना हुआ 63 मार्क्स पे आप देखो तो ये 95 से 99 के बीच में है, कहीं ये 97 के आसपास रहा होगा, अगर किसी ने तीनों में ही 95 percentile लाया होगा तो उसका ओवरऑल 97-98 के आसपास रहा होगा। अगर कोई इंसान तीनों में 80th percentile लाया होता, 17 + 9 = 26 + 12 = 38 तो वो 89-88 के आसपास होता, तीनों में कोई 90 लाया होता, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मान लेते हैं आपकी आपका कोई सपोज़ LRDI थोड़ा सा वीक है, LRDI में अगर आप मान लो कि आप 14 मार्क्स लाए, 14 मार्क्स, तो 85 percentile क्रॉस हो गया होगा, 14 यहाँ पे लाए और किसी एक में मान लो आप VRC में आप 95 ले आए, 14 + 28 = 42, और आप मान लो क्वांट में 92 मतलब 15 मार्क्स के आसपास ले आए, ठीक है, तो 42 + 15 = 57, आप देख सकते हो कि आप 96 से 97 percentile पे पहुंच जाओगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप तीनों में 85 लाने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल आपका 95 तक भी पहुंच सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, इसको आप नोट कर लो, लिख लो, याद रख लो। ठीक है, ये पिछले साल का था, यहाँ पे क्वांट मुश्किल था, हालांकि इस साल क्वांट इतना मुश्किल नहीं आएगा मेरे हिसाब से, अब बाकी तो भगवान जाने। 2022 आम तौर पे जो 2022 में हुआ था वैसा ही होता आ रहा है पिछले कुछ सालों से कैट में। यहाँ देखो आप, अगर मान लेते हैं कि किसी ने तीनों सेक्शन में मोर ऑर लेस 80-90 percentile के बीच में लाता है, तो यहाँ मान लेता हूँ 20 मार्क्स, यहाँ मान लेता हूँ 15 20 + 15 35, यहाँ 15 मतलब 50 मार्क्स, 50 मार्क्स जो लाया होगा वो 95 के आसपास मतलब 93 के आसपास रहा होगा, तीनों में अगर वो 85 के आसपास लाया होगा, बात सेम जा रही है। तो अब ये समझना है कि आखिर हम ये कैसे करें, LRDI जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है, 18 मार्क्स मतलब 6 क्वेश्चन, एक सेट पूरा और कोई एक सवाल, ये था 90 percentile के लिए, किसी ने एक सेट सही किया होगा तो उसके 85 तो LRDI में आ ही जाएंगे। आपको ये मान के चलना है कि आपको LRDI में कम से कम एक सेट सही करना है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, पहले VRC समझते हैं। VRC में आइडली आपको हर दिन एक सेक्शनल टेस्ट करना है फॉर नेक्स्ट 20 डेज, और एक बात और, कैट जो है वो एग्ज़ाम स्पीड का नहीं है, एक्यूरेसी का है, यहाँ ऐसा नहीं होता कि 198 मार्क्स में किसी के 190 आते हैं तो टॉप करता है, 198 मार्क्स में 130 में भी लोगों ने टॉप किया हुआ है, 100 percentile लाया हुआ है, उतना तो हमें लाना भी नहीं है, मतलब लाना है लेकिन हर किसी के नहीं आएंगे।
तो एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट से। तो जितने भी आप अटेम्प्ट करो, आप मान लो कि वीआरसी में आपने केवल 10 सवाल किए, 10 के 10 सही है। आपने एलआरडी में सिर्फ एक ही सेट किया, वो पूरा सही है। क्वांट में 10 किए, पूरा सही है। तो आपका 95% है, लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट। चूज योर आरसी वाइजली। वाइजली बहुत ही ब्रॉड टर्म है ना, ठीक है। हम बोल सकते हैं वॉक वाइजली, टॉक वाइजली, थिंक वाइजली। वाइजली कैसे, हाउ टू चूज द आरसी वाइजली। तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें हमारे चैनल पे ही है, जहाँ पे मैं बताया मैंने कि क्या आरसी की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से हम आरसी का पैसेजेस को चुन सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जॉनर पे ध्यान देते हैं कि भाई मैं तो यार मैंने आर्ट्स पढ़ा है ज़िंदगी में हमेशा, मुझे साइंस तो आती है नहीं, अगर कोई चीज़ ऐसी आ गई जहाँ पे हिस्ट्री वगैरह होगा मैं कर लूँगा। बीटेक वाला बोलेगा कि यार देखो मैंने ना मैथ्स मेरे को मस्त आती है, टेक्नोलॉजी समझता हूँ, कंप्यूटर समझता हूँ, ये सब होगा तो मैं करूँगा। तो इस तरह से लोग अपनी फेवरेट चीज़ों पे करते हैं आमतौर पे। कुछ लोग ऐसे रीडिंग का बड़ा शौक है, वो पढ़ रहे हैं एडिटोरियल्स, वो इयोन एसेस पढ़ रहे हैं, वो बोलेंगे फिलॉसफी का आ जाए तो मज़ा आ जाए बाकी सब। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि कैट आपकी फिलॉसफी या साइकोलॉजी या मैथमेटिक्स या टेक्नोलॉजी या बिजनेस या इकोनॉमिक्स या फिलैंथ्रोपी, इन सब सब्जेक्ट्स की नॉलेज चेक नहीं कर रहा है। वो आपके सामने एक अनसीन पैसेज दे रहा है, अनसीन, अनदेखा, अनजाना सब पैसेज दे रहा है आपके सामने। आप उसको पढ़ के समझ पाते हो कि नहीं, उससे बेस क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं, ये कैट चेक कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये कैट ये भी देख रहा है कि हो सकता, कैट वाले भी जानते हैं कि हर कोई फिलॉसफी में या साइकोलॉजी में या हिस्ट्री में सब में अच्छा नहीं हो सकता, है ना, सब में नहीं हो सकता, लेकिन उसे अच्छा होना है सिर्फ एक बात में, जो चीज़ लिखी हुई है वो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए इसका नाम क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंड करना ज़रूरी है। तो आप आरसी जॉनर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं। अगर कोई क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, मतलब पैसेज में कोई इन्फॉर्मेशन थी उसी के हिसाब से बोला गया है क्वेश्चन है, तो वो हमें करना ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन इन्फरेंस बेस्ड है, वो हमें करना चाहिए कि ठीक है आप क्या इन्फर कर सकते हो, जो लिखा है इससे क्या हो सकता है। क्रिटिकल रीजनिंग से थोड़ा बचना चाहिए। क्रिटिकल रीजनिंग कैसा होता है, व्हाट इफ दिस इज़ ट्रू, व्हाट इफ दिस इज़ फॉल्स, मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आती हैं, जहाँ पे आपको अपना दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इट लुक्स लाइक मोर लाइक लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, तो उनको हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो लोग बोलेंगे दो आरसी पूरे कर लो, मैं भी यही बोलूँगा। आइडली दो आरसी की बात नहीं है, बात यह है कि हम 8 सवाल पूरे करें, चाहे वो 4 आरसी में स्प्रेड हो, स्कैटर्ड हो, दो दो भी करोगे हर जगह से तब भी काम चल जाएगा। चुनने कौन से हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड, डायरेक्ट डेटा बेस्ड, जहाँ दिखाई दे वो आरसी आप पहले करिए। वीए पे आते हैं, वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी पैरा चंबल्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि 4 स्टेटमेंट्स हैं, उनको अरेंज करने के 24 तरीके हैं ना, फैक्टोरियल 4, 24 डिफरेंट ऑप्शंस, और ऑप्शंस दिए भी नहीं है गाइड ने, भाई कैसे करें। पहले ऑप्शन दिए जाते थे बहुत पहले, तो उस टाइम क्या था कि ठीक है ऑप्शन है 4-2-3-1, 3-2-4-1, मान लेते हैं कि ऑप्शन में कहीं भी 1 और 2 से स्टार्ट नहीं था, तो हमें आइडिया मिलता था, पर यहाँ आइडिया नहीं मिलता। लेकिन एक फ़ायदा भी है, वो क्वेश्चन टीटा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये एक फ़ायदा है। आसान क्या होगा अवेलेबिलिटी में, आमतौर पर ये पता करना है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेक्शन है वो थोड़ा आसान पड़ता है, और पैरा समरी थोड़ी आसान पड़ती है। पैरा समरी इसलिए आसान पड़ेगी कि अगर आपने आरसी तैयारी की है तो आपको रीडिंग की काफ़ी हैबिट हो चुकी है, तो पैरा समरी और फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा करने चाहिए। 4 सवाल तो वहीं से आ जाएंगे, 4-4-4, मतलब 12 सवाल आप ट्राई करो, आपके 9 भी सही होते हैं तो आपका 85% to 90% सिर्फ वीएआरसी में क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं एलआरडीआई। पिछले 6-7 साल के पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, जितना टाइम आपके पास हो उतना कर लीजिए, और एक सेट से ही 90% बन जाता है। मेन बात क्या है यहाँ पे कि सिलेक्शन करना है सेट का, कौन सा सेट हमें सही देखना है। डेटा रिप्रेजेंटेशन, ये डीआई वाले सेट्स हैं, ठीक है। अगर आप देखो कि इसमें सेट्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन कैलकुलेटर है। दूसरा, कंडीशन फ्री क्वेश्चंस, ये सवाल वो होते हैं कि पांचों सवाल में किसी सेट में 5 सवाल हैं, उन 5 सवालों में कंडीशन जो ओरिजिनल पैसेज में थी वो चेंज नहीं हो रही है। आपने देखा होगा कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि एक सेट दिया हुआ है और हर क्वेश्चन में नई नई कंडीशन दी हुई हैं, उससे बचना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक सेट होता है। आप पढ़ो, आपको मालूम पड़ रहा है ऐसा है, तुरंत उसे छोड़ दो, अवॉइड करो, भागो दूर उससे। पकड़ो वो वाले सवाल जहाँ पे बहुत सारी कंडीशन शुरुआत में दे रखी हैं, वो सवाल आमतौर पे आसान होते हैं, दिखते बड़े हैं पर होते आसान है, कि जितनी ज़्यादा कंडीशन दी होगी उतना डेटा हमारे पास होगा, उतना हम सॉल्व कर पाएंगे।
टॉपिक फेमिलियरिटी, ठीक है, फेमिलियरिटी तो डिपेंड करता है कितना तैयारी आपने करी है, और लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी, लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख रही है ना, अगर नहीं करना चाहिए, आप फंस सकते हो, ठीक है। क्वांट्स, क्वांट में जानना जरूरी है कौन से टॉपिक की वेटेज हाईएस्ट है, इसके मैंने बहुत वीडियोस बना रखे हैं, आप देखो यहाँ पे कुछ वीडियोस के लिंक हैं, आप देख सकते हैं। तो एरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ये तीन मेजर चंक ऑफ क्वांट है जो कि 70-80% पेपर तो यहीं से आता है, उसमें से भी एरिथमेटिक एल्जेब्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो परसेंटेज रेशियो और उसके एप्लीकेशन, एवरेजेस सबसे हाई प्रायोरिटी है, प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SICI। एल्जेब्रा में लीनियर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये कुछ ऐसा है जो हर किसी को, जिसमें बहुत से लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ऑफकोर्स पढ़ने के बाद। इनइक्वालिटीज, मैक्सिमा मिनिमा, यहाँ लोग थोड़े से फंस सकते हैं। APNGP, पॉलीनोमियल्स, मॉड्यूल्स, मॉड्यूलस, फंक्शंस, लॉग्स, लोग बोलते हैं फंक्शन लॉग समझ में नहीं आ रहा, इसकी प्रायोरिटी भी कम है। तो इस तरह से आप अपने, और मैं बताऊं एक बात, सच बताऊं कि आप इन दोनों में कुछ भी ना छोड़ें, एक भी टॉपिक ना छोड़ें, ज्योमेट्री में भले कुछ छोड़ दें, 2-3 सवाल ज्योमेट्री से आ रहे हैं हर साल, आप चेक कर लो। तो ट्राइंगल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, मेंसुरेशन, और फिर जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइडियली मैं बात बताऊं आपको, एक ज्योमेट्री के 3 सवाल अगर आएंगे ना, तो उनमें से 2 सवाल फर्स्ट 3 में से होंगे, और एक सवाल जो बचेगा वो या तो मेंसुरेशन से होगा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होगा। मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, और फिक्स फॉर्मूले हैं, डेफिनेट फॉर्मूले हैं, उतने याद कर लो, सवाल एक बन जाएगा। ज्योमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अगर आपको नहीं पता बता दूं मैं कि ज्योमेट्री के फादर बोलते हैं यूक्लिड को, यूक्लिड ने 13 डिफरेंट वॉल्यूम्स में किताब लिखी थी, उसका नाम था एलिमेंट्स, 13 वॉल्यूम्स, सोचो आप 13 पार्ट्स की किताब है ज्योमेट्री की, और उसी को कॉन्साइज करके एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्योमेट्री पढ़ाता है, हमारा NCERT भी यही करता है, सारी बुक्स यही करती हैं, तो वो तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट सिलेबस है ना, तो ये बात ध्यान में रखते हुए हमें आगे काम करना चाहिए। तो ये तरीका है जो, जिस तरह से आप तीनों सेक्शन में कम से कम 85% ला सकते हैं, किसी एक किसी दो में 90 क्रॉस करिए, ओवरऑल 95 क्रॉस अपने आप हो जाएगा। तो आप एक काम करोगे, आप अगले 5 दिनों में 3 पेपर्स बिना टाइम देखे करेंगे, कौन से पेपर्स, वो वाले मॉक्स जो आपने 2 महीने पहले करे थे वो करेंगे, और आप कमेंट्स में बताएंगे कि हाँ मैंने ये किया है और मेरे को इससे ये फ़ायदा, ये नुकसान हुआ है, और मैं पर्सनली उन सारे चीज़ों का जवाब दूंगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ और देखने हैं, लाइक कर लो आप, सब्सक्राइब कर लो, जो दोस्त और आपकी तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर भी कर लो, और हम आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू।